इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां जिग्नेश मेवाणी की प्रस्तावित हुंकार रैली है, इसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने रैली की अनुमति नहीं दी थी, दिल्ली में जिग्नेश की रैली को लेकर विवाद बढ़ गया है। इजाजत नहीं होने पर भी रैली पर अड़े हुए हैं जिग्नेश मेवाणी, मान नहीं रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी क्योंकि जंतर मंतर पर कोई रैली नहीं कर सकता है। एनजीटी ने जंतर मंतर पर रैली करने पर रोक लगाई हुई है। एनजीटी आदेश के कारण जिग्नेश को इजाजत नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी जिग्नेश अड़े हुए हैं रैली करने पर। जंतर मंतर पर कोई रैली नहीं कर सकता, एनजीटी ने जंतर मंतर पर रैली करने पर रोक लगाई है। दिल्ली पुलिस ने रैली की अनुमति इसीलिए नहीं दी, लेकिन जिग्नेश मेवाणी इजाजत ना मिलने के बाद भी वहीं पर रैली करने पर अड़े हुए हैं। आज उनकी प्रस्तावित हुंकार रैली दिल्ली में होनी थी, जिसको लेकर जिग्नेश मेवाणी और उनके समर्थक डटे हुए हैं इस मांग पर कि वो जंतर मंतर में अपनी रैली करके ही रहेंगे। जंतर मंतर पर कोई रैली नहीं कर सकता, एनजीटी ने रोक लगा रखी है ध्वनि प्रदूषण के चलते, लेकिन जिग्नेश मान नहीं रहे हैं। जिग्नेश मेवाणी इस वक्त गाड़ी में बैठे हैं और जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। जिग्नेश, परमिशन तो है नहीं, फिर क्यों रैली कर रहे हैं आप लोग? बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है यदि इस देश के युवा वर्ग के जो सवाल है, ये बेरोजगारी का सवाल नीचे नीचे या जिस प्रकार से साथी अखिल गोगोई मेरी बगल में, उनके ऊपर आंसुका लगा दी, जो कोर्ट्स में से उसको निकाल दिया गया, उनको गलत तरीके से टारगेट किया था, बिल्कुल उसी तरह से एक फर्जी मुकदमा दर्ज हमारे साथी चंद्रशेखर रावण भीमारेड्डी के साथी के ऊपर हुआ, तो उसके खिलाफ हम बात रखना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से। युवा वर्ग के सवाल को उठाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार की हिंसा देश में ना हो, दलितों के ऊपर उत्पीड़न ना हो, दलितों के ऊपर अत्याचार ना हो, सोशल जस्टिस की बात रखना चाहते हैं। तो ये बात एक देश के एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार नहीं है। तो कोई गरीब किसान या कोई आम आदमी है, आम औरत है, मजदूर का लड़का या लड़की है, इस देश में कैसे बात? लेकिन आप कह रहे थे कि जाऊंगा पार्लियामेंट, पीएमओ जाऊंगा, संविधान की प्रति लेकर जाऊंगा। बिल्कुल, तो माननीय प्रधानमंत्री जी से को बड़े शांतिपूर्ण ढंग से पूछना चाहते हैं, सर ये क्या चल रहा है कि संविधान आप पसंद करेंगे या मनुस्मृति को आप लागू करना चाहते हैं या संविधान को लागू करना चाहते हैं? और युवा वर्ग के सवाल को, बेरोजगारी के सवाल को उठाने के लिए हम शांतिपूर्ण ढंग से बात करना चाहते हैं, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को शांतिपूर्ण ढंग से रैली करने का भी अधिकार नहीं? ये कैसा पुलिस ने बावजूद रैली करेंगे? ये बहुत अनफॉर्चुनेट होने जा रहा है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट हो रहा है। यदि हमको इस तरह से टारगेट करेंगे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तो इस देश में बीजेपी के विपक्षी दल आप लोगों की आड़ में राजनीति कर रहे हैं, आप लोगों को आगे करके अरे सर वो सब भूल जाओ। हमारा सिर्फ इतना कहता है हम संविधान के मूल्यों में मानते हैं और संविधान की बात करने के लिए जा रहा है। जिग्नेश, आप पर ये भी आरोप है कि आप उमर खालिद के साथ मंच साझा कर चुके हैं, उस पर आप क्या कहेंगे इन आरोपों पर? जिग्नेश, उमर खालिद के साथ आप पर सवाल उठ रहे हैं, क्या उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे? सही, जिग्नेश मेवाणी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि कैसे, जिग्नेश मेवाणी को आप देख सकते हैं साथ में अखिल गोगोई हैं जिनसे हमने बात की। इन लोगों का कहना है कि देश में आपातकाल जैसे हालात हैं और इसी के खिलाफ ये लोग जो है वो जंतर मंतर के ऊपर जा रहे हैं प्रदर्शन करने के लिए, हालांकि इजाजत नहीं है। बावजूद जिग्नेश का कहना है कि वो एक चुने हुए प्रतिनिधि है और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। कैमरामैन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज दिल्ली। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।